चलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल हाईटेक वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत अहम होने जा रही है जो अभी तक किसी भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाए। आज की वीडियो में मैं उनको एक ऐसी वेबसाइट से उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा जिन पर अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान है। इस पर काम करके वो आसानी $2000 तक अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल हाईटेक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो वेबसाइट पर आपने काम करना है उसका नाम है होमवर्क मार्केट। इस पर बड़ी आसानी के साथ आप साइन अप करके स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आंसर देकर या उनके लिए ऐसे राइट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस पर साइन अप कैसे होना है हम डिटेल से सब कुछ सीखेंगे। पहले जान लेते हैं वेबसाइट, इसका रिव्यूज़ को हम देख लेते हैं। आप देखिए मुख्तलिफ जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इसकी रेटिंग क्या है। इसी जो वेबसाइट पर इसकी अपनी रेटिंग है 4.8, ट्रस्ट पायलट पे इसकी रेटिंग 4.6 है, साइट जैबर पे इसकी रेटिंग 4.7, reviews.io ये भी एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इस पर इसकी रेटिंग है 4.6 और रीसेलर रेटिंग्स पे 4.7। गोया कि ये एक बहुत ही ट्रस्टेड और लेजिट प्लेटफॉर्म है जिस पर आप काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ओके जी, इस पर काम कैसे होता है मैं आगे चल के आपको समझा देता हूँ। आप पहले आप देख लें कि किस किस्म के आपने सब्जेक्ट्स पर आप आंसर लिखकर या ऐसे राइट करके अर्निंग कर सकते हैं। इसमें अकाउंटिंग है, अप्लाइड साइंसेज है, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है, आर्ट है, बायोलॉजी है, बिजनेस एंड फाइनेंस है, केमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन मीडिया है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी है, क्रिएटिव राइटिंग, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन पर आप लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ओके, जनरल जियोग्राफी, जियोलॉजी, गवर्नमेंट, हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉ, लीडरशिप एंड गवर्नेंस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, नर्सिंग, फिलासफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, साइंस, सोशियोलॉजी, स्पेनिश, स्टैटिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये वो सारे सब्जेक्ट्स जिन पर आप 24/7 आप इन पर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करके इनके आंसर्स लिखकर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले हैं। याद रहे, इसमें आपने प्लेजरिज्म फ्री आपने जो इसका वर्क है करके देना होता है वो आपको मैंने डिफरेंट वीडियोज़ में बताया है। आप कैसे अपने इवन के ए टूल्स का यूज़ करके भी प्लेजरिज्म को कैसे रिमूव कर सकते हैं और AI जनरेटेड कंटेंट से आप उसको ह्यूमनाइज कैसे करना, ये भी मैंने डिफरेंट वीडियोस में आपको बताया हुआ है। कोशिश करें, वैसे बेस्ट टेक्निक तो ये होती है आप खुद रिस्पॉन्ड करें, लेकिन तमाम सब्जेक्ट्स पे, तमाम टॉपिक्स पे अपने ही अल्फाज में रिस्पॉन्ड करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें AI जनरेटेड कंटेंट भी उस आप लिखवा सकते हैं, उससे आप हेल्प लेके AI कंटेंट को कैसे आपने ह्यूमनाइज करना है वो मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, ऐसे राइटिंग वाली प्लेलिस्ट पे जाकर आप उसमें वो सारी वीडियोस देख लें जिसमें मैंने मुख्तलिफ टेक्निक्स बताई हुई है कि आपने AI कंटेंट को कैसे रिमूव करना है। आप स्टेप बाय स्टेप तमाम वीडियोस को वॉच करें और जौन सी टेक्निक आपको ईजी लगे आप उसको उस पर प्रैक्टिस करके आप ऐसे राइट करवा सकते हो और भी किसी भी किस्म का कंटेंट जनरेट करवा के उसको उसमें से AI डिटेक्शन को रिमूव कर सकते हो। लेकिन याद रहे उस पर आपने प्रैक्टिस करना होती है। बहुत सारे दोस्त बगैर प्रैक्टिस से अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाते हैं लेकिन उन्हें अनलकीली नाकामी का सामना होता है। लेकिन माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने इन तमाम वीडियोज़ को वॉच करके बहुत सारे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट क्रिएट करे। याद रहे मैंने जितनी भी लेजिट और ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेजिट और ऑथेंटिक वेबसाइट्स का रिव्यू दिया जाता है। ना सिर्फ रिव्यूज़ दिए जाते हैं बल्कि मैंने उनमें जो इंग्लिश का टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसके हम आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं और बहुत सारे वीडियोस मैंने लाइव सेशन कंडक्ट करके आपको टेस्ट पास करके भी दिखाया है। और बहुत सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपने अकाउंट क्रिएट किए। आप भी अगर चाहते हो के ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करना, आप अपने इस चैनल हाईटेक वर्ल्ड में जाकर आप प्लेलिस्ट पे फाइंड आउट करें जो भी वेबसाइट आपको लगे कि आप इस पर काम कर सकते हो।
आप उसकी पूरी डिटेल जानने के लिए प्लेलिस्ट में जाके उस वेबसाइट पर मैंने जितनी वीडियोस अपलोड की होती है उसके मतलब आप उन तमाम वीडियोस को कंसेक्टिवली वॉच करें जिसमें मैंने साइन अप का प्रोसेस डिटेल से समझाया होता है। उसके बाद आपको टेस्ट की आंसर कीज प्रोवाइड की गई होती हैं। आप उन वीडियोस को थॉरली वॉच करें। बहुत सारी वेबसाइट्स पे तो आपको 100% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो वीडियो को स्किप करके वॉच करते हैं और जल्दी में अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादातर उनमें नाकाम इसलिए होते हैं कि उन्होंने उनके आंसर्स को अच्छी तरह वॉच नहीं किया होता। तो या तो स्किल इतने एडवांस्ड लेवल का हो कि आप खुद अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें। अनलकीली मेरे बहुत सारे दोस्तों का ये स्किल एडवांस लेवल का नहीं होता, चूँकि इन तमाम वेबसाइट्स पे जिनका मैंने रिव्यूज़ दिए हैं, जिनके मैंने टेस्ट के आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, आप उन सारी की सारी वीडियोज़ को जब तक वॉच नहीं करोगे, अच्छी तरह उनकी प्रेपरेशन नहीं करोगे, तब तक अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने अकाउंट क्रिएट किया, उन्हीं दोस्तों ने किया जिन्होंने वीडियोस को थॉरली वॉच किया, उसके बाद तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को उन्होंने अच्छी तरह तैयार करके फिर इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिया, उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस पे ऐसे राइटिंग के टेस्ट को भी पास किया। मेरे बहुत सारे दोस्त बार बार मुझे ऐसे राइटिंग के लिए कह रहे हैं कि उसको लाइव सेशन में आपको कंडक्ट करके दिखाऊँ टेस्ट। मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको बताया है, डिटेल भी बताई है कैसे आपने टेस्ट पास करना, आप उस तरीके को फॉलो करें। आपसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके ऐसे राइटिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके जिन दोस्तों को ऐसे राइटिंग की स्टेज पे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना है वो उन वीडियोज़ को पूरे तरीके से वॉच करके अपने AI डिटेक्शन को रिमूव कर सकते हैं और अच्छा खासा अच्छा एक बेहतरीन किस्म का कंटेंट जनरेट करके ऐसे का टेस्ट भी पास कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तैयारी चाहिए होती है, तो आप उन वीडियोस को अच्छी तरह वॉच करने के बाद फिर टेस्ट की तरफ जाएं, ओके? तो इसमें हर इस जो वेबसाइट है इस पर किस किस्म की आपने काम है, आप अपने इससे हेल्प भी ले सकते हो एज ए स्टूडेंट और एज ए राइटर। आप इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करके एज ए ट्यूटर अपना बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, ओके? इसमें कॉलेज एसेज में भी हेल्प मिल सकती है, आप उसकी हेल्प भी प्रोवाइड करोगे। बिजनेस प्लान है, टर्म पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, बुक के रिव्यूज़ भी दिए जाते हैं, कोर्स वर्क, स्पीचेस, यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स, क्वेश्चन आंसर, हर किस्म का काम इस पर अवेलेबल है। इस पर एज ए ट्यूटर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना, उसके लिए आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा बिकम अ ट्यूटर। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। इसमें आपने करना क्या है, सिंपल सा एक छोटा सा एक फॉर्म फिलअप करना, इस पर अपने बेसिक क्रीडेंशियल्स आपने टाइप करने हैं, अपना फुल नेम लिखोगे यहाँ पे, ईमेल जो वैलिड ईमेल एड्रेस होगा यहाँ से दोगे, यहाँ पे दोगे, और सब्जेक्ट एरियाज जिस पर आप समझते हो कि आपकी एक्सपर्टीज हैं, आप इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जौन सा भी सब्जेक्ट हो आपका, आप वहाँ वो लिखो, या जिस पर आप चाहते हो कि आप AI से भी कंटेंट जनरेट करवा के हेल्प कर सकते हैं तो आप यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिख दोगे, ओके? एकेडेमिक लेवल आप लिखोगे, आपका यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से जाके कॉलेज, आपकी एजुकेशन क्या है, कॉलेज लेवल की है, यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट हो या मास्टर्स है या PhD, जो भी है आप यहाँ पे इसको लिखोगे। फिर अपना एक यूनिक सा पासवर्ड देना और कंफर्म पासवर्ड, ये आपको ऑलरेडी पता है, और CV एक अच्छी सी CV आप बना लें। किसी अलग से वीडियो में मैं आपको CV एक डिज़ाइन करना सिखा दूंगा। आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की CV यहाँ पे अपलोड करोगे जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज पॉइंट आउट करोगे, खास तौर पे जो सब्जेक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं वो भी। एकेडमिक सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे लिखना है, आपने अपलोड करना है, और एक सैंपल ऐसे ऑलरेडी कोई लिख के रख लें। आप APA या MLA या शिकागो या हार्वर्ड, किसी भी एक स्टाइल पे आप एक बेहतरीन किस्म का ऐसे आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख लें। तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे सैंपल भी रिक्वायर्ड होता है, तो आप इस तरह इस वेबसाइट के लिए भी एक सैंपल प्रिपेयर करके आप वो भी अपलोड करोगे। आपके एक्सपर्टीज को देखेंगे, आपके CVs को, उसके बाद आपके सैंपल को प्रॉपरली उसको रीड आउट करे किया जाएगा। तो अगर आप उसके उनके मेयार पे पूरा उतरते हो तो आपको फिर वहाँ पे इस पर अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी जिसमें आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ओके? ये सारी चीज़ें आपने बेसिक क्रेडेंशियल्स फिलअप करने के बाद, और ये CV, एकेडमिक सर्टिफिकेट और सैंपल ऐसे, यानी आप फाइनल डिग्री यहाँ पे अपलोड कर देना जो आपकी फाइनल डिग्री हो।
अगर आपकी नहीं है, आप अपने किसी कजन या भाई या सिस्टर का उसके नाम का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट आवर टर्म्स ऑफ यूज, इसको चेक लगा दोगे, इसको मार्क करोगे और उसके बाद अप्लाई यहाँ से प्रेस करोगे तो आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल बाद में अपडेट होगी। इन केस आपका ये अकाउंट वेरीफाई होता है, आप अप्रूव होते हो एज ए ट्यूटर, तो आपको 3 या 4 दिनों के बाद में ईमेल आ जाएगी कंफर्मेशन की। उसके बाद आप एज ए राइटर यहाँ पे काम करोगे और फिर आप इस जितने ये राइटर्स हैं इनकी लिस्ट में आपका नाम भी डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ये देखिए इस तरह, ये देखो जितने वर्ल्ड लेवल के राइटर्स हैं, इस तरह आप भी, इस तरह जब भी आपका नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो न्यू राइटर्स को बहुत ज़्यादा इस वेबसाइट पे प्रमोट किया जाता है। आप बिना खौफ खतर इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करें। देखें जैसे देखो ना, उनको 10 स्टार्स हैं, राइटर्स 10 स्टार्स हैं, 10 उनका 9.8 है आउट ऑफ 10, तो ये बड़े बड़े राइटर्स हैं। इस पर न्यू राइटर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आप कोशिश करें अपनी प्रोफाइल अच्छी सी क्रिएट करें, ये सारे क्रेडेंशियल्स अपलोड करने के बाद आप भी अच्छे राइटर बन सकते हो और इस वेबसाइट से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट भी किया करो। ओके, तो कोशिश करें अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।